सभी भाइयों को मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। जो भी पशुपालक भाई आज हमारी इस वीडियो को पहली बार देख पा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में घंटी का बटन दबाएं ताकि आगे जो भी पशुपालक अच्छे अच्छे पशुओं की वीडियो देखना चाहता है वो जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज हम रणदीप भाई के फार्म पे हैं, आगे एक एक पशु के बारे में डिटेल से पूछते हैं। उससे पहले मैं भाई से आपकी मुलाकात करवाता हूँ। नमस्कार जी भाई साहब। भाई साहब अपना फार्म का एक बार कंप्लीट एड्रेस बताओ। हम रेडी रोड जींद जींद नियर पुरानी सब्जी मंडी। ठीक ठीक। आज कितने पशु हैं अपने पास? 55-60 पैसे भाई जी। 55-60। कम से कम कितने दूध वाली है और ज्यादा से ज्यादा कितने दूध का पशु है अपने पास? वो तो निकलने के ऊपर बात हो जाती है, कम से कम 12 लीटर से कम की तो भैंस मिलेगी नहीं। नहीं वो एक जो आशंका जो कैपेसिटी के तौर पे हम माने कि इतना दूध ज्यादातर पशु निकाल पाएंगे या कम से कम इतना दूध देंगे। देखो जो जनरली जो नॉर्मल दूध निकालती है अपनी भैंस, मानिए चलो एक एवरेज में 17-18 लीटर की भैंस होती है। ठीक ठीक ठीक। और इसमें 22 लीटर की भी है, 24 की है, 25 की भी है, 25 प्लस की भी है। तो पहले नंबर की जो भैंस है उसके बारे में बताएं भाई साहब, जो पहले नंबर पे है। इसने कल ही बच्चा दिया भाई जी, जी। खाली हो गया। हाँ। दांत कौन सा है? सेकंड टाइमर है, 6 दांत है। 6 दांत। साथ में बच्चा क्या है? फीमेल काफ है। फीमेल काफ। एक बार खोलना भाई साहब। तो 6 दांत, जो टी इतनी हाइट ऊंचाई लंबाई आप अंदाजा लगा सकते हो कि हम लंबाई के पशु तो हमने क्या पता इससे ज़्यादा भी देख लिए हों, लेकिन जब हाइट की बात आती है तो इतनी ज़्यादा हाइट पशुओं में देखना, एक बुल के टक्कर की हाइट जोटी के अंदर है, 6 दांत, दांतों की जो बताने का कारण है उससे पशु की एज का अंदाज़ा जो अच्छे पशुपालक हैं, अच्छे पशु रखने का शौक रखते हैं वो लगा सकते हैं। तो जोटी आपके सामने दिख रही है, एक किस्म से कहें तो जोटी छोटी हथनी की तरह, जो लंबाई ऊँचाई है काफ़ी ज़्यादा, बिल्कुल क्वालिटी का सींग है। और लंबाई ऊंचाई वाले जो पशु होते हैं उसकी कोशिश यही होती है पशुपालक की कि जो इससे काफ पैदा होंगे आगे आने वाले टाइम में, तो इस हाइट के अगर बच्चे पैदा होने लग गए तो पशु हैं वो मैं कहूँगा कि जो नस्ल सुधार या ब्रीडिंग के लिए लेना चाहते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है। कितना दूध निकाल देगी भाई साहब जोटी? पहली बार में भाई 17 किलो दे रही है, ये अपने पास ही थी। अच्छा, अब की बार क्या कैपेसिटी लगा रहे हो? मिनिमम 22 किलो। 22 किलो दूध। दूसरे नंबर पे जो जोटी है वो? ये भी दूसरे ब्याह की है भाई। अच्छा। और खीस से खाली होती है, काटे का दूध हुआ 15 किलो। 15 किलो। साथ में बच्चा क्या है? बच्चा मेल काफ है, बच्चे भी देख सकते हो, खीस से खाली की है, पासबुक के लिए है, 7.5 किलो दूध हुआ था खाली करके। तो काफ़ी शानदार क्वालिटी के पशु हैं जोटी। जब हम इनके पास पशु देखने आए हैं यहाँ पे वीडियो के लिए आए हैं तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के एक साथ इस टाइम में, मैं कहूँगा इस टाइम में नहीं 2020 में आपको अब तक किसी भी यूट्यूबर ने अगर एक साथ ऐसे पशु दिखाए हों तो ज़रूर बताना कमेंट्स के अंदर। जोटी आप देख सकते हैं सींग बिल्कुल छोटा, लंबाई ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा, और जो इसकी पीठ की चौड़ाई है वो भी काफ़ी शानदार, अडर की क्वालिटी है जो, और जो थनों की क्वालिटी है वो आप देख पा रहे हैं। अगर हम कहें तो कंप्लीट पूर्ण रूप से मुर्रा के बारे में काफ़ी भाई जानकारी लेना चाहते हैं तो ये जोटी पूर्ण रूप से मुर्रा के अंदर है। जो थन आप देख पा रहे हैं बिल्कुल साफ़ सुथरा, और पैर के बीच का अडर है जो कि अच्छे दूध वाली भैंस का अडर होता है। 25 किलो दूध देगी कम से कम। 24-25 किलो दूध की कैपेसिटी भाई इसकी मान रहे हैं। तो आगे तीसरे नंबर पे है वो भाई साहब? ये भी दूसरे ब्यास के भाई जी। कल ही बच्चा दिया इसने भी। ठीक ठीक। हाँ, में कौन से ब्यांत में ये? दूसरे ब्यांत में भाई। बच्चा क्या है साथ में? फीमेल काफ है। फीमेल काफ है। तो इस जोटी से ज़्यादा काफ के ऊपर भी ध्यान देना। देखिए आप सामने देख पा रहे हैं काफ है वो काफ़ी उमदा क्वालिटी है, उसमें टेल भी इतनी वाइट नहीं है, और कल ही इसने बच्चे को जन्म दिया है। ऐसे भी इतने ज़्यादा नहीं है, ये बाल है। अच्छा अच्छा। तो इसकी जो अडर की क्वालिटी है वो मैं कहूँगा कि HF गाय से भी भारी अडर है। अभी एक तो सींग से हम कहें तो काफ़ी जगह इसको कंडी बोलते हैं, जो ऊंचाई लंबाई है वो काफ़ी ज़्यादा है, नीचे की जो इसकी क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, और जो काफ हैं वो आपको हम इसमें इसकी जो फीमेल काफ नीचे है वो भी दिखाएंगे। उससे ज़्यादा हम कहें तो इसकी जो लंबाई ऊंचाई है और जो इससे बच्चे लेने का काम आने वाले टाइम में हो सकता है, काफ़ी खुले आर्डर की है, नाभि से लेके और ऊपर सांचे तक बिल्कुल खिंचा हुआ आर्डर है। थन है मुट्ठी के आकार के,
साफ सुथरा किसी तरह का, इतने बड़े ऑर्डर में टेढ़ापन होना आम बात है, लेकिन किसी तरह का अनबैलेंस नहीं है। चारों थन बिल्कुल साफ सुथरे मुट्ठी के आकार के, साथ में काफ आप देख पा रहे हैं, टेल एक इंच भी वाइट नहीं है, बाल बाल कुछ ही वाइट है, क्योंकि जो पशुपालक इसको खरीदेगा उसके पास अच्छे अच्छे काफ आएंगे। इसके आगे भाई साहब ये जोटी, ये भी भाई जी खीसरी खाली हो गई है, निकालिए एक बारी। कौन सा ब्याह है? तीसरा ब्याह था भाई जी इसका। साथ में बच्चा क्या है? इसके नीचे फीमेल का है भाई। कितना दूध है अभी खाली करने के बाद? अभी तो खाली की है, सुबह पता चलेगा। अच्छा अच्छा, तो हर पशु, यहाँ के पशुओं में एक मेन बात देखी जाए तो शरीर से ज़्यादा हेल्दी देखने को मिले, और हाइट वेट काफ़ी ज़्यादा होता है यहाँ के पशुओं में। हमारी साइड के जो पशु होते हैं हाइट कम होती है उनमें, लेकिन यहाँ पशु काफ़ी भारी भरकम शरीर के। फिर वैसे भी काफ़ी अच्छे पशुओं का सिलेक्शन करते हैं, सोशल मीडिया में शायद ही अब तक इतने कम टाइम के अंदर निकल के और इतने अच्छे अच्छे पशुओं का सिलेक्शन करके जो नाम कमाया है, वो उसके अंदर भाई जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत के रंग आज इस वीडियो में आपको दिख रहे हैं। हर पशु नीचे से बिल्कुल साफ़ सुथरा देखे, थन है वो काफ़ी शानदार है नीचे से। इसके साथ में काफ क्या है भाई? फीमेल काफ है भाई। फीमेल काफ है, तो आगे इस जोटी की और डिटेल बताओ। ये भी भाई जी थर्ड लैक्टेशन में है। हाँ हाँ ठीक है, और पिछली बार 20-25 किलो दूध दिया इसने। ठीक ठीक, कितना टाइम हो गया बच्चा दिए? इसने कल ही बच्चा दिया, खीसे खाली कर दी भाई जी ये सुबह। साथ में काफ क्या है? फीमेल काफ है इसके नीचे। तो जोटी आप देख पा रहे हैं, जो क्वालिटी है इसकी, शारीरिक जो बॉडी स्ट्रक्चर है, हर पशु का अच्छा है, लेकिन इसका हम कहेंगे थोड़ा उन पशुओं से हटके, क्योंकि हर पशु में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है थोड़ा बहुत। बिल्कुल जेड ब्लैक कलर है, पतली चमड़ी है कागज़ की तरह, सींग है वो भी क्वालिटी का है, टेल हम जेड ब्लैक है टेल की कहें तो, और साथ ही में जोटी में एक हिसाब से कंपटीशन तक जाने का इसका जो हमें बॉडी स्ट्रक्चर दिख रहा है, दूध की प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छी बता रहे हैं। अब की बार कितना दूध निकाल देगी रणदीप भाई? भाई जी देखो अभी तो क्या कहते हैं, लेकिन ये कि पिछली बार 20-25 किलो दूध दे रही है। काफ क्या बताया साथ में? फीमेल काफ, फीमेल काफ, सभी फीमेल वाली हैं। तो आगे है। ये जोटी ये क्या बने भाई जी अभी? अच्छा बच्चा देगी अभी। हाँ, अभी रुक जाए इसको मत करो। कौन से ब्यात की बार? ये अब दूसरे ब्यात में बेगी भाई। ठीक ठीक, कितना टाइम बाकी है इसके? 10-12 दिन बाकी है। पहली बार का दूध वगैरह का कुछ पता है? 14 किलो दे रखे। 14 किलो दूध पहले ब्यात में, दूसरी बार बच्चा देगी। आप देख सकते हैं नीचे से जो इसकी थन और आर्डर है वो अभी से साफ सुथरा दिख रहा है, अभी टाइम बाकी है। और आगे इस जोटी के बारे में और बताएं भाई साहब। ये भाई जी पहले ब्यात की है, खीरी है, दांत भी नहीं तोड़े भी। खीरी कटड़ी है। हाँ जी। कितना टाइम हो गया बच्चा दिए? इसने भाई जी आज तीसरा चौथा दिन है इसका। साथ में काफ क्या है? काफ मेल है। कितने दूध से उठी है जोटी? 8 लीटर से चली भाई जी। 8 लीटर दूध से चली, 8-10 लीटर दूध अभी है। तो ऊंचाई और लंबाई खीरी कटड़ी की बहुत ज़्यादा है, काफ़ी उमदा क्वालिटी की है, क्योंकि जो एक एक पशु रखना पसंद करते हैं उनके लिए जोटी काफ़ी शानदार है। क्योंकि हर वीडियो में कहते हैं कि कम रखिए लेकिन अच्छे पशु रखिए। रोक लो भाई साहब एक बार, जो इसकी देखिए आप नीचे से, तो थन है एक साइड में बाई उतार रखी है, और जो पुट्ठे की चौड़ाई है खीरी जोटी की, और ऊँचाई काफ़ी अच्छी जोटी, जिस हिसाब से शरीर दिख रहा है दूध की प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छी दिखानी चाहिए। क्योंकि आज की वीडियो में हम कहें तो हर पशु लाजवाब है, एक एक शब्द कम पड़ रहा है बोलने के लिए। खीरी जोटी आपको पूरी मार्केट में, आप हरियाणा के अंदर सर्वे कीजिए, कम ही पशु मिलेंगे, सिलेक्टेड पशु हैं भाई के, बिल्कुल अलग अलग चारों थन, टेल में कुछ इंच वाइट है। जो ब्रीडिंग करते हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि ये एक पूर्ण रूप से ब्रीड है। आगे ये जोटी भाई साहब पहले ब्यात की है, ये बच्चा देख लो, खीर से खाली होती है, 12 किलो दूध है। काफ क्या है साथ में? इसके मेल काफ है भाई। ठीक ठीक ठीक। हाँ। कौन सा ब्यात बताया? ज्यादा पहले ब्यात की, पहले ब्यात की, चार दांत जोटी, सींग 12 किलो से चालू हुई है भाई। सींग थोड़ा खुला जरूर है लेकिन शरीर पे जम रहा है ऊपर की साइड से थोड़ा। देखो दूध तो इसने जोटी ने देना है, 17-18 किलो की है, काफी अच्छी। अच्छा बिकी हुई है। हाँ। कितने रुपए की सेल की भाई ये? भाई 1,45,000 की गई है, ये अमृतसर के हैं भाई, उन्होंने दो भैंस ली है, दूसरी और दिखाऊंगा। ठीक ठीक ठीक। क्या नाम है उनका? बुड्ढा थे, अमृतसर में कोई गांव पड़ता है। क्या नाम बताया?
जीता हाँ, बुड्ढा थे गांव है, कुछ इस तरीके का नाम है पिंड का। ठीक अमृतसर में पड़ता है। तो देखिए टाइट और सटीक आर्डर की है, इसकी नीचे से हम आपको करीब से दिखा रहे हैं, हर पशु जोशीले आर्डर का है। और काफ़ी भाई बोल देते हैं कि मेरे पास भी फ़ोन आए एक दो बार कि रणदीप भाई के रेट थोड़े ज़्यादा होते हैं लेकिन पशु अच्छे होते हैं। तो जोटी आप देख पा रहे हैं टाइट और सटीक आर्डर की है, काफ़ी अच्छी दुधारू जो पशु हैं जोशीले आर्डर की। जो इसकी पीछे से आपको आर्डर में उभरी हुई नसें भी दिख रही हैं जो कि अच्छी और दुधारू पशु की पहचान होती है। और भाई ने बेच रखी है, आगे हम और भी जोटी है उसके बारे में पूछते हैं। तो रणदीप भाई आगे इस जोटी की और डिटेल क्या है? भाई इसमें 19-20 किलो दूध है, इसको तो बेच नहीं रहे अभी। 19-20 किलो दूध अभी तैयार है? हाँ तैयार है, ये 1.5 महीने की ब्याई होगी इसमें। अच्छा, बेच रहे भाई तो। बिक्री के लिए नहीं है? नहीं। एक बार खोल के चलाओ भाई, काफ़ी दुधारू पशुओं की काफ़ी डिमांड रहती है। देखिए सभी खरीदने वाले भी नहीं होते, वीडियो देखने वाले भी हैं काफ़ी पशुपालक, लेकिन जो 20 किलो दूध वाली जोटी है काफ़ी भाई बड़े आर्डर को देख के पसंद करते हैं कि ज़्यादा बड़ा आर्डर होगा तो ज़्यादा दूध निकालेगी। जोटी पैर के बीच का ही है लेकिन आर्डर काफ़ी शानदार दुधारू। ये वीडियो में चला के दिखाना या इसके बारे में डिटेल से बताना, इसका सिर्फ एक ही माध्यम है कि दुधारू पशु की काफ़ी पशुपालक है जिन्हें पहचान नहीं होती, वो भी देखें कि किस टाइप का पशु कितना दूध निकाल रहा है, क्योंकि व्यापारी भी सिर्फ अपने तजुर्बे से या पशु का जो बॉडी स्ट्रक्चर देख के ही उसको खरीदने का काम करता है। आगे रणदीप भाई ये जोटी एक और है, ये भाई इसकी फीमेल का है, इसके साथ में फीमेल। अच्छा, ये तो देखिए इस तरह के पशु रखने का एक कारण होता है, उसमें आप देख पा रहे हैं कि काफ को कितना हेल्दी तैयार कर रखा है, फीमेल काफ है। अगर इसको बेच के इसमें कमेंट में कह दो देते हैं महंगी है, अगर इसको तैयार कर रहे जिस हिसाब से ये 8 से 9 लीटर दूध पी रही है, 10 लीटर पी रही है, ये देखो ये मतलब कितने में जाके पड़ेगी जब बच्चा देगी। बिल्कुल बिल्कुल, पेमेंट का अंदाजा कह देते हैं 70 की 80 की मिल जाएगी, 17 किलो वाली 16 किलो वाली, उनकी जुबान में दूध होगा बाल्टियों में दूध नहीं होगा। कितना दूध पिलाते हो भाई साहब अंदाजन? 8-9 किलो दूध पिलाते हैं भाई जी। अच्छा, 8-9 किलो दूध पीती है और काफ़ी गर्मी का टाइम है, इतना दूध पिलाना वैसे ठीक नहीं। बाकी कटड़ी काफ़ी अच्छी तैयार, कितनी एज होगी इसकी? 1.5 महीने की कटड़ी। ठीक आगे एक जोटी और है पहले ब्यांत की, ये रणदीप भाई ये देखो भाई जी देख लो, खीस से खाली होते में 12 किलो दूध है, खीस से खाली होते ही 12 किलो दूध, साथ में फीमेल का पहले ब्यांत की जोटी। दांतों से कैसे भाई? देखे नहीं आपने? तो शरीर से थोड़ी कमज़ोर जरूर है लेकिन आर्डर से कमज़ोर नहीं है, काफ़ी जोशीले आर्डर की है, छोटा सींग है, क्वालिटी की है। कोई भी भाई जो पशुपालक खरीदेगा वो अपने घर पे इसको अच्छी देख रेख करेगा तो जोटी हेल्दी भी हो जाएगी और दूध से भी काफ़ी अच्छी उठी है। रोकिए भाई एक बारी, बिल्कुल पतली चमड़ी की आप नीचे से भी देख पा रहे हैं आर्डर, बिल्कुल जोशीला। और देखिए नसें कितनी मोटी मोटी नसें हैं जो कि एक अच्छे दुधारू पशु की पहचान भी होती है। और इतने बड़े आर्डर को भरने के लिए ये HF गाय के जैसे जो इसमें आपको मोटी मोटी नसें दिख रही हैं, कितनी कैपेसिटी मानते हो रणदीप भाई इसकी? भाई जैसे 12-11 किलो से उठी उस हिसाब से दे देगी 17-18 किलो। ठीक और ये आगे भैंस, ये भी बिकी हुई है भाई, अमृतसर के भाई है। ठीक है, जितना नाम है बुड्ढा गाँव के। अच्छा, उसी भाई ने ले रखी है ये दूध, इसमें कितना दूध है? इसमें भी खाली होते में 11-12 किलो दूध है, ये देखो दूध दिखाई दे रहा है काफ को दूध पिलाने का, देखिए आप प्योर दूध आ रहा है सीधा। तो कौन सा ब्यांत है इसका? इसका भाई तीसरा ब्यांत है। तीसरा ब्यांत किस रेट में दी भाई साहब? 1,18,000 रुपए की। 1,18,000 रुपए में, देखिए आप हाइट मीडियम से थोड़ी ऊपर कहें तो, नहीं तो मीडियम हाइट में ही मानिए, लेकिन काफ़ी जोशीले आर्डर में ले आओ भाई, अच्छे अच्छे पशु दिखाने का हमारा जो काम है उसमें हम बखूबी मेहनत कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद शायद ये पहली या दूसरी वीडियो होगी जो हमने ग्राउंड लेवल पे कवर की है, क्योंकि भाई के पशु इस टाइप के नहीं होते कि फ़ोन पे ही वीडियो मंगवाएं और डाल दें। थोड़ा इस साइड बोलो रणदीप भाई। तो आगे हम इस जोटी के बारे में भी पूछते हैं, भाई साहब ये कौन से ब्यांत में है? भाई ये मालिक तो पहले ब्यांत में बोल रहा था लेकिन मेरे को लग रहा है दूसरे ब्यांत में ही है। दूसरे ब्यांत में? हाँ जी।
अभी कितना दूध है इसमें? दूध है भाई 13 किलो अभी। साथ में बच्चा? फीमेल काफ है। फीमेल काफ साथ में है। ये भी बिकी हुई है? हाँ भाई ये बिकी हुई है, ये भाई अभी आए गए, इन्होंने देखना था, ये सोनीपत से आए हैं। अच्छा, कितने रुपए की बेची है ये भाई जी? 1,22,000 रुपए की। 1,22 की। तो ठीक 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 5:30 बजे। ठीक 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 काफ़ी जोशीले आर्डर में है, और जिस ओनर ने खरीदी है वो भी यहीं पे हैं। सुबह की मिल्किंग भी करके गए थे, क्योंकि रेट ज़्यादा, अच्छी चीज़ के पैसे भरने में कोई समस्या नहीं होती। 1,00,000 रुपए में, 80,000 में आपको 10-12 किलो दूध की भैंस भी मिल जाएगी। लेकिन जो अदर स्टेट पेमेंट लगाने वाले ग्राहक हैं, वो उनको मैं कहूँगा कि अगर इस तरह की 10-12 किलो वाली तो आपके वहाँ भी मिल जाएगी। इतनी दूर हरियाणा में आ रहे हो अच्छे अच्छे पशुओं के लिए, तो उमदा ही पशु खरीदें। रणदीप भाई, इस भैंस के बारे में और बताओ। इसमें भाई 20 किलो दूध तैयार है। 20 किलो दूध। कौन सा ब्यांत है जी? कौन से ब्यांत में है ये भाई? तीसरे ब्यांत में है। तीसरे में। साथ में बच्चा? फीमेल काफ है। कितना टाइम हो गया भाई ये? हो गई मेरे हिसाब से 10-12 दिन की गई होगी। 10 से 12 दिन की। हाँ। तो ये भी बिकी हुई है? 22 किलो भी हो गया था, लेकिन अभी 20 किलो है, और इसकी लाइव मिल्किंग चलाऊंगा 1 हफ्ते बाद। अच्छा, बिकी हुई है? नहीं नहीं, इसको नहीं बेच रहा था। सींग थोड़ा खुला है, शरीर काफ़ी भारी भरकम शरीर है, बाल बहुत ज़्यादा है इसके शरीर पे। लेकिन मैं कहूँ कि इसकी लंबाई ऊंचाई और जो नीचे से इसका आर्डर आप देख पा रहे हैं, इस तरह की गाय कंपटीशन में जो HF गाय लगती हैं उनका आर्डर पाता है। जो अदर कंट्री में हम तकरीबन वीडियोज यूट्यूब पर देखते रहते हैं, इस टाइप का आर्डर उन गायों का मिलता है। चारों थन अलग अलग, बिल्कुल एक एक फिट की जो चौड़ाई बोल देते हैं बोलने में, और पशुओं में जब देखते हैं तो कुछ और मिलता है और बोलते हैं तो कुछ और। अभी 22 किलो दूध पे थी, लेकिन अभी भाई बता रहे हैं गर्मी बहुत ज़्यादा है, डाउन आ गई है, 20 किलो दूध अभी तैयार है। साथ में इसके काफ है, फीमेल है? फीमेल काफ है। फीमेल काफ है। तो एक ये भैंस है भाई के पास, ज़्यादा दूध वाली जो डेयरी का काम करने वाले भाई हैं उनके लिए, मुर्रा से हम कहेंगे बाहर है, पूंछ ज़्यादा वाइट है। ये भाई साहब ये कौन से ब्यांत में? रणदीप तीसरे ब्यांत में। कितना दूध तैयार है अभी? 18-19 किलो दूध तैयार है। और कितना टाइम हो गया बच्चा दिए? 1.5 महीना। साथ में काफ? ये मेल काफ साथ में है। 18 किलो दूध है। जो डेयरी वाले भाई हैं वो भी संपर्क कर सकते हैं, मैं वीडियो में इनका नंबर भी दूंगा और व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा साथ में। आर्डर नीचे की तरफ थोड़ा ढीला लटका हुआ, लेकिन दूध की प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी दिखा रही है भैंस। तो जो भी पशुपालक यहाँ से पशु लेना चाहता है भाई के पास, इस जून और जुलाई के महीने में जब पशुपालक छोटे काफ हैं उनको देखने के लिए, मैं कहूँगा कि काफ़ी कम बच्चा देती हैं, इसलिए काफ़ी कम सौभाग्य प्राप्त होता है कि ताज़ा भैंस इस टाइम में सज्जर जो पशु हैं वो मिलने। लेकिन भाई के पास इस टाइम में भी 50 से 60 पशु अभी अवेलेबल हैं। साथ ही में इन्होंने देखिए काफ़ी शानदार क्वालिटी का ये कटड़ा और ये कटड़ी, काफ़ी लाजवाब जोड़ी है दोनों की। कटड़े की क्या डिटेल है रणदीप भाई? भाई जी अपनी घर की भैंस है, अपने हिसाब से 14-15 बार ब्याह चुकी है। उसका चैंडी में कम से 7 से 8 बार रिकॉर्ड हो चुका है। अच्छा। हाँ, 26 किलो एक बार जब करवाया था, 23-22, 21-22, 21-22, ये मतलब इतनी बार कम से कम 5 बार रिकॉर्ड भी हो चुकी है चैंडी की। अच्छा, बिक्री के लिए भी है? उसकी भैंस का जो कटड़ा है और इसकी माँ का 24 किलो 746 ग्राम का एक बार और 23 किलो 700 ग्राम का एक बार। जी जी जी। हाँ, ये DNA टेस्टेड बच्चा है भाई। ठीक ठीक, ऐसा नहीं है। ठीक है, कितनी एज होगी इसकी? ये हो गया भाई जी 11 से 12 महीने का हो गया। 12 महीने का कटड़ा, काफ़ी हेल्दी है, टेस्टिकल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि काफ़ी भाइयों की डिमांड रहती है कि आप अच्छे कटड़े भी दिखाइए जो डेयरी के लिए। ये कटड़ी भाई साहब? ये भाई जी जो पंचायती मूल है धर्मवास का, उसी कटी है ये। देखिए कटड़ी, देखिए साफ सुथरे थान, नीचे से जो रिंकल्स हैं वो आने वाले टाइम में कटड़ी अच्छी बनेगी, इस चीज़ का संकेत देते हैं। आगे ये 24-25 किलो दूध है इसकी माँ की बच्चे। ये भाई साहब ये ताज़ी भैंस? ये भी बच्चा लिया भाई जी। हाँ, थर्ड टाइमर है जी। जी भाई अभी बच्चा दिया इसने, थर्ड टाइमर है अभी बच्चा दिया। काफ़ी 18 किलो दिया है पिछले में, 18 सेकेंड टाइम में 18 किलो दूध। बिल्कुल जो सींग है वो शरीर के ऊपर जमता हुआ, थोड़ा ऊपर की साइड से खुला है, लेकिन जो इसकी अडर की क्वालिटी है और जो थन है, लंबाई ऊंचाई, जो पशुपालक ब्रीडिंग के लिए पशु लेना चाहते हैं, अच्छे अच्छे काफ
दुधारू पशु, क्योंकि जब भैंस की बात आती है तो अडर की जो क्वालिटी है वो मेन होती है पशु में। एक 10-12 किलो दूध की भैंस हो, एक 18-20 किलो दूध की, कोई फिक्स रेट नहीं होता। अच्छी पीठ है और नीचे से भी आप देख पा रहे हैं, अभी सुई है, जेर भी नहीं डाली है, थन बिल्कुल मुट्ठी के आकार का, साथ में काफ फीमेल काफ है। तो आगे भाई के पास एक और ये झोटी है, देखिए ये भाई साहब, ये फर्स्ट टाइम में बच्चा देगी भाई जी, फर्स्ट टाइम में बच्चा देगी, छोटा सींग है, बिल्कुल टाइट और सटीक आर्डर बनाएगी, साफ सुथरे थन, क्योंकि आप अभी से अंदाजा लगा सकते हैं थन काफी दूरी के ऊपर हैं, बिल्कुल जेड ब्लैक टेल है और बिल्कुल छोटा सींग है। गबन पशु ये भी बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, बिल्कुल उपलब्ध है। और भाई जी इसका रेट भी बता देते हैं, 88,000 रुपये है आज का रेट, 88,000 रुपये में कोई भी भाई लेना चाहे तो मैं नंबर भी दूंगा रणदीप भाई का। और भी पशु हैं आगे भाई साहब, ये भैंस, ये भाई जी 20 दिन या 23 के थर्ड टाइम है, 18 लीटर दूध दिया इसने। अच्छा, अभी बच्चा देने में टाइम है, कितना टाइम बाकी है? ठीक, तो हर पशु क्वालिटी वाइज अच्छा होता है, बिल्कुल छोटा सींग, क्योंकि इस टाइम में अडर का अंदाजा हम नहीं लगा सकते, जब बच्चा देगी उस टाइम पे, और अभी भी देख सकते हैं आप कितना भारी अडर बनाएगी, ऊंचाई लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, बिल्कुल लंबी गर्दन की और पीछे से काफ़ी चौड़ी है। ये ड्राई भैंसें लग रही हैं आगे, ये ड्राई भैंस है भाई, इसका पंजाब में, पंजाब से ले गया हूं मैं, हमारे यहाँ से गई थी भिवानी से, जी ठीक है, यहाँ से गई थी 24 किलो दूध तोड़ के, जीएफपी में निकाला इसने 23.5 किलो दूध, ठीक वहाँ कुछ पंजाब में वो होता होगा, उन्होंने सर्टिफिकेट दिया था, वहाँ निकाला इसने 28.5 किलो दूध, ठीक अभी ड्राई लेके आया मैं, 2,11,000 रुपये की अभी 4 से 5 दिनों में इसको, ठीक हाँ। तो आगे भी भाई के पास पशु हैं, ड्राई हैं ये आगे, ड्राई भाई जी, ड्राई भी है इसके, 24 लीटर दूध दिया, 24 लीटर दूध, 2.5 महीने अभी बच्चा देने के इस झोटी के बाकी हैं, और नीचे से आप अभी देख रहे हैं साफ सुथरी लग रही है। तो ये देखिए झोटी, देखिए सींग है वो थोड़ा खुला जरूर है, लेकिन ऊंचाई काफ़ी अच्छी है यहाँ के पशुओं में। आगे झोटी, ये भाई साहब, ये भाई जी ड्राई है, अभी इसके 3 महीने रहते हैं हाँ, ये मिल्क ब्यूटी के लिए रखी थी पिछली बार, फिर कंपटीशन हो नहीं पाया लेट होते हुए, फिर ये ड्राई हो गई थी, ठीक तो आगे भी, ये भी ड्राई है भाई जी, ये भैंस भाई मैंने 3,60,000 रुपये की बॉम्बे बेची थी, सलमान भाई है, दो भैंस होती हुई थी, 5 लाख की हुई थी और 1-3 साल की हुई थी, जी जी मेरे हिसाब से ये 8-9 महीने की बेची हुई है, 3 महीने की क्या बनी हुई है हाँ, और बिल्कुल कमजोर कर रखी थी, सबसे ज्यादा दूध की भैंस है ये अपनी, इसको ना बेचेंगे ना कोई बेचने का इरादा है पूरी, ठीक ये जो ड्राई दिखा रहे हो आप ये बिक्री के लिए भाई साहब? नहीं ये बिक्री के लिए नहीं है। अच्छा तो आगे भी भाई के पास काफ़ी पशु हैं, देख सकते हैं डेयरी खचाखच भरी हुई है इस टाइम के अंदर, एक साथ इतने पशु, गबन भी उठा रखे हैं जो विश्वास के लायक पशु थे या पशुपालक हैं उनसे खरीदे हुए पशु हैं भाई के, इसको भी नहीं बेचते भाई, ये अपने पशु में बैस है, ये वो कटिए की मारे इसके बाद ड्राई कर दिया, आज लास्ट दूध निकाला इसका, ठीक पहले निकाला था 2 महीने रह गए, ये कुछ ग्राहक पूछते कितने टाइम तक दूध देती है, अभी ये देखो 2 महीने रह जाएंगे, 2 महीने बाकी, 2 महीने से छोड़ा है इसको, ड्राई किया है 20 दिन से, इसको सूखा भूसा डाल के 14 लीटर दूध है। तो ये मुर्रा की खास पहचान बताएंगे हम जो ड्राई के लिए पूछते हैं, 2 महीने ड्राई हुई है अभी, ये 7 महीने की ये प्रेग्नेंट हो गई भाई जी, अपने घर की झोटी थी, ठीक है 26 किलो दूध जी, 26 किलो दूध। ये जो ड्राई आप दिखा रहे हैं कुछ पशु बिक्री के लिए हैं भी? नहीं ये बिक्री के लिए नहीं है भाई जी, ये दिखा रहे हैं हम कैसी क्वालिटी रखते हैं, जी ये बुरी ये बिकी हुई है भाई, अच्छा ये चीज से खाली कर दी है, कितना दूध है अभी खाली करने के बाद? खाली 9 किलो दूध होगा भाई इसमें, क्या कितने रेट की बेची है? 1,35,000 रुपये की दी है, नोएडा से 122 उमेश भाई है उनके पास जाएगी, ठीक में पहले पेमेंट आ गई है, पहले यह बन देख के, जी आगे झोटी, ये झोटी भाई 13 लीटर दूध है, इसको खाली कर दो, 13 लीटर दूध हाँ, कितना टाइम हो गया बच्चा दिए? बच्चा दिए हो गए भाई जी 12-13 दिन, साथ में काफ, मेल काफ साथ में है हाँ। ये आप देख पा रहे हैं, और 14 भी हो सकते हैं भाई जी हाँ, लेकिन 13 लीटर की पासिंग है, तो 14 किलो, जी हाँ। 13-14 लीटर दूध और सींग है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, और नीचे से आप देख पा रहे हैं टाइट और स्टेक आर्डर में है, 13-14 किलो दूध काफ़ी होता है जो
नॉर्मली रेंज के पशु जो होते हैं लाख सवा लाख के 13-14 किलो दूध 1,08,000 रुपये रेट है। 1,08,000 रुपये 1,08,000 रुपये में आप देख पा रहे हैं जोटी काफ़ी अच्छी और मैं कहूँगा केयर की गई है जोटी की, काफ़ी हेल्दी शरीर से अडर आप देख पा रहे हैं, थन बिल्कुल मुट्ठी के आकार का। तो आगे और भी पशु हैं उनके बारे में भी जानकारी लेते हैं। ये भाई साहब ये जोटी इसके काफ मर गया है, पहले ब्याह की है, दो दांत है, ठंडी लगती है और इसने डोके भी कर लिए हैं। अच्छा कितना दूध है अभी बोलिए भाई? 11 किलो दूध है भाई जी इसमें, 11 किलो दो दांत जोटी 11 किलो दूध, काफ मरने के बाद में इतना अच्छा दूध जो निकाल रही है जोटी। 95,000 रुपए रेट है, नीचे से भी देख सकते हैं काफ़ी जोशीले आर्डर में, क्योंकि बच्चा मरने के बाद दूध निकालना बहुत वो होता है, क्योंकि बच्चा एक किस्म से रिमोट होता है पशु का। लेकिन बिल्कुल ठंडी शांत स्वभाव बता रहे हैं, बिल्कुल छोटा सींग है। आगे एक और ये जोटी भाई रणदीप, पहले क्या है? अच्छा है। दो दांत, 10-11 लीटर दूध साथ में काफ भाई जी, इसके नीचे मेल काफ है। अच्छा अच्छा हाँ। कितना टाइम हो गया बच्चा दिए? ये होगी भाई 10-11 दिन की ब्याही, 10-11 दिन की ब्याही हुई है हाँ। और इसकी शायद बातचीत हो रही है और वो कोई वीडियो में देख के मेरे से पूछ भी लेगा, कोई फाइनल नहीं है अभी, क्योंकि अभी पेमेंट नहीं आई है। ठीक है 1,10,000 की बात हुई हुई है इसकी। ठीक है 2 किलो की गाड़ी है इसकी। अच्छा जी हाँ, चुवाई बहुत बढ़िया है, छोटे सिंह की जोटी है, बिल्कुल छोटा सिंह और 2 किलो की अगाड़ी मान के चलिए, अगाड़ी जितनी भी होगी भैंस की उसके जो पीछे के थनों का दूध है वो अगाड़ी से डबल होता है। तो आगे ये भैंस भाई साहब, ये भाई जी अब मेरे सबसे चौथे घर में खुले सिंह की है, 14-15 किलो दूध साथ में काफ मेल काफ है भाई इसके, मिल्किंग बहुत बड़ी है ये काफ साथ में। जो डेयरी के लिए जो भाई पशु लेना चाहते हैं उनके लिए हम ये पशु दिखा रहे हैं, और ड्राई पशु खाली क्वालिटी के लिए दिखा रहे हैं कि किस क्वालिटी के पशु भाई रखते हैं, अपने पास भी रखे, ये नहीं कि बिक्री का ही काम है। 14-15 किलो की जोटी 1.5 लाख की भी हो जाती है, 1.6 की भी हो जाती है, 2 लाख की भी हो जाती है, पहले बैठ की है, अब दूध के हिसाब से भैंस है तो उस हिसाब से इसका रेट भाई जी 1,05,000 रुपये है। दूध 14-15 किलो है, 14-15 किलो दूध 1,05,000 रुपये। कोई भी भाई जो डेयरी के लिए लेना चाहता है ज़्यादा रकम नहीं लगा के, वो क्योंकि मैं हर वीडियो में बताता हूँ जो 15-16 किलो 14 किलो से जो ऊपर पशु है तकरीबन 1,25,000 रुपए कीमत आम होती है। अभी फिलहाल में है, बिल्कुल कच्ची भी है। अच्छा अभी बता रहे हैं भाई और भी दूध बढ़ा देगी, और दूध वाला जो इसका अडर है वो लग भी रहा है, दूध वाला है थोड़ा टाइट और पैर के बीच का है, इतने पशुओं में इतनी अच्छी देख रेख आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बहुत मेहनत करते हैं पशुओं के साथ। देखिए नीचे से भी थन बिल्कुल साफ सुथरे। आगे ये जोटी भाई, ये भाई जी खीस से खाली मिट्टी वाली जोटी। अच्छा वो खुले हेड की जोटी है। ठीक हाँ। ये वाली कौन सी? ये इसका अभी बेचने का विचार नहीं है दूध, क्योंकि पिछली बार मैं 18-19 किलो दे रखे थे, अभी दूध अपना है 14 किलो। अच्छा ये जोटी और जो ये अभी कैमरे के सामने ये भाई की खीस से खाली कर दी, पहले बहुत खुले हेड की जोटी है, पहले भी आती है। अच्छा अच्छा साथ में बच्चा, बच्चा मेल काफ है भाई, मेल काफ साथ में। ठंड क्या दिखाई दे रही है? खाली करके है, बहुत बढ़िया ठंड निकालती है, बहुत ज्यादा बढ़िया। किस रेट की है भाई साहब ये? भाई जी 1,15,000 रुपए की। 1,15,000 रुपए जोटी आप देख पा रहे हैं सामने, काफी अच्छी सींग है वो, छोटा और शरीर के ऊपर जमा हुआ शरीर है, पीछे से काफी चौड़ी है और निकाल देना चाहिए अभी, पहले ब्यांत में 14-15 किलो दूध की क्षमता लग रही है, क्योंकि जब पहले ब्यांत की जोटी नीचे से आप देख रहे हैं खाली की है, बाई भी थोड़ी अभी थनों के अंदर है और थन काफ़ी अच्छा निकालती है बाई, क्योंकि चुवाई बाई ने की है। हम आपको अच्छे पशु दिखाने का सिर्फ माध्यम मात्र है, ताकि आपको एक टारगेट मिले कि कहाँ पर पशु इस टाइम अवेलेबल है, और हर टाइम ही हमारा ये प्रयास रहता है साथ में इसके। ये काफ़ी ये देख पा रहे हैं आप। आगे ये भाई साहब, पहले ब्यांत की जोटी हाँ, जी कितना दूध है खाली करती? 6-7 किलो दूध
हर पशु में तकरीबन पशुओं में जो सींग और शरीर की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। बिल्कुल छोटा सींग है, ऊंची तगड़ी लंबाई ऊंचाई का काफ़ी महत्व होता है, क्योंकि जब पशु ड्राई के बाद अगर हम बेचने का प्रयास करते हैं तो लंबाई ऊंचाई पे ही ज़्यादा बिकता है। ले आओ भाई, ले आओ राय। 1,08,000 रुपये की है। 1,08,000 रुपये की। साथ में बच्चा क्या है? मेल का। कितने दूध का अनुमान लगा रहे हो भाई साहब आप? 12 किलो दूध का अंदाजा। ऑर्डर टाइट है, इस तरह के पशु दूध निकाल देते हैं लेकिन अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि दूध निकाल देंगे, क्योंकि छोटा और बीच का ऑर्डर है। ये जोटी भाई, ये पहले व्यापारी भाई पहले बच्चा दिए इसे। हाँ, नीचे मेल का इसके लिए खीस में ये अभी खाली कर, खीस में खाली नहीं की है, थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया था सुने। अच्छा अच्छा, ये देखो दूध तो इसने देना है लेकिन हमारी जो प्रोडक्शन है मतलब है जो चौदह पंद्रह किलो दूध पहले ब्यांत में बहुत होता है, और शरीर से हर पशु काफ़ी अच्छा, क्योंकि पशु सिलेक्शन करने वाले पे डिपेंड होता है। नीचे से आप देख पा रहे हैं चारों थन अलग अलग हैं मुट्ठी के आकार के। पहले ब्यांत में तकरीबन थनों की ही समस्या करते हैं, छोटे थन होने पे पशुपालक जो चुवाई करता है वो काफ़ी परेशान हो जाता है, लेकिन इसके थन बिल्कुल चारों अलग अलग हैं और बिल्कुल पतली चमड़ी, कागज़ की तरह चमड़ी आपको दिख रही है। ऑर्डर भी टाइट और सटीक है, थन आपको बिल्कुल करीब से दिखा रहे हैं, क्योंकि जो भी पशुपालक पेमेंट इन्वेस्ट करता है वो अच्छी तरह से पशु को पूर्ण रूप से देखे। आगे ये जोटी भाई साहब, ये भाई ये भी तीसरे ब्यांत की। अच्छा अच्छा, ये देखिए ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है, सींग खुला, शरीर बहुत भारी भरकम। कितने दूध का अनुमान है रणदीप भाई? 15 किलो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जो डेयरी वाले भाई हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी है भैंस, सींग वगैरह से उनको कुछ लेना देना नहीं, उन्हें दूध से मतलब होता है। सींग तो जाफराबादी भैंस की तरह है लेकिन शरीर बहुत भारी भरकम है। अभी दूध निकाल के लेके, ठीक ठीक ठीक, तो अभी चुवाई हो चुकी है इसकी, क्योंकि दूध का टाइम तकरीबन नज़दीक है, ज़्यादा पशु होने के कारण टाइम से ही मिल्किंग शुरू हो जाती है। तो जो भी भाई वीडियो देख पा रहे हैं, एक साथ आपको इतने अच्छे अच्छे पशु देखने को मिल रहे हैं, हर रेंज के तकरीबन 1,00,000 से भी नीचे की रेंज के पशु भी हैं भाई के पास, और ऊपर तो आप अच्छे अच्छे पशुओं का सिलेक्शन करके किसी भी रेंज का पशु ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और उस तो ये फालतू दूध भी दे दे उससे। बिल्कुल, और क्या होता है भाई जैसे वीडियो डलती है, वीडियो डलते ही मतलब फोन आते हैं जी, कई बार हम कुछ फोन अटेंड नहीं करते हैं। मैं उन भाइयों से बोलना चाहूंगा जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कुछ ऐसे भाई रह जाते हैं कि जिनको रिक्वायरमेंट है लेकिन फोन भी अटेंड कर पाते हैं, क्योंकि पाँच सौ फोन हो जाते हैं जी, जाते हैं फोन उठाते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर वो अपनी रिक्वायरमेंट डालें जी जी जी, ताकि हम उस रिक्वायरमेंट को देख के उनको कॉल करें या हम उनसे व्हाट्सएप पे बात करें। तो ये भाई का कहना है काफ़ी बार ज़्यादा फ़ोन आने के कारण अटेंड नहीं कर पाते, वो भाई व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज या कुछ भी अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो डाल सकते हैं। एक साथ हमने आपको इतने अच्छे अच्छे पशु दिखाए, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना। और आज भाई के पास तकरीबन कम से कम रेंज की मेरे हिसाब से 88,000 रुपये से लेके और ऊपर आप किसी भी रेंज का पशु ले सकते हैं। तो आप लोग जो भाई वीडियो देख रहे हैं, वीडियोज़ अच्छी लगें तो शेयर करें, साथ ही मैं कहूँगा कि जो भाई विदेश में बैठ के पशु लेना या देखना, काफ़ी पशुपालक है जो देखना ही पसंद करते हैं, उनके लिए भी हम अच्छी अच्छी वीडियोस डालेंगे, लेकिन अभी लॉकडाउन के कारण हम थोड़ा धीमा काम रखेंगे। तो आप लोग ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। सभी भाइयों को लास्ट में मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, राम राम।